यही क्या है मेरा
समय हो गया, सब लोग सामने आके बैठो। एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। सत्संग हमेशा आमने सामने रूबरू फेस टू फेस बैठ के सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग वचनों का असर प्रभाव सीधे मन पे पड़ता है। तभी ये मन अपने गुनाहों को कबूल करता, मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना सुख किया, कितना असुख किया। वैसे शैतान मन किसी से मानने वाला नहीं है। इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को और ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया। ऐसा शैतान मन हमारे सबके मनुष्य मंदिर में रह रहा है। न हमने अपने आप तक इसको निकाल पाया है, न इस पर कंट्रोल नियंत्रण ही कर पाया है। और ये मन जब जैसा चाहता आपके शरीर को साथ में लेकर अगर काम की चाहिए तो काम की इच्छा को पूरी करा लो, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा लिया, लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा करा लिया। और आप इसका कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ शरीर है। तुम कह दो पड़ोसी खराब है, ये खराब वो खराब, ये दुश्मन है वो दुश्मन वो बुरा है, तुम ये नहीं क्यों नहीं कहते मेरा मन ही खराब है, ये खराबी क्यों देखता है, ये बुराई ही क्यों देखता है, ये निंदा आलोचना बुराई कटिसाई जी क्यों करता है, ये शंका संदेह भूल भ्रम में क्यों रहता है। आपकी यही समझ में नहीं आया कि असली दुश्मन को, इसलिए महापुरुषों ने समझा के क्या कहा, मेरे जीवन का रेमन तू ही सर्वाधार है और इन इंद्रियों का तो ही सरदार है। तू मुझे पापी बना दे चाहे तू धर्मात्मा, तेरे बस सच्चा बुरा कहता मुझे संसार है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को डिगा तूने दिया, जिनको इच्छा वासना ने कर दिया लाचार है। ऐसी वासनाएं की उमंगे तरंगे ये उठाता रहता और तुम्हारे शरीर में अंदर बैठा हुआ, यही तुमको अच्छे बुरे पाप उन कर्मों में लगाता है, फिर उन्हीं कर्मों की सजा दिलाने के लिए 484 लाख नरकों की योनियों में यह जन्म मरण का कारण बनाता है। जन्म मरण जन्म मरण, यह तो सिलसिला बहुत पुराना है। जब तक इन कर्मों से कोई छुट्टी दिलाने वाला नहीं आएगा,
तब तक ये जीवात्मा काल माया के देश से निकल नहीं सकते। ये कर्मों के जाल में फंसी, एक अच्छा कर्म एक बुरा जिसे पाप पुण्य कहते हैं, और इन दोनों का फल मृत्युलोक में ही है। और इन्हीं शरीरों में जब जैसे अच्छे बुरे कर्म करोगे, कभी पशु के शरीर में, कभी पक्षी, कभी जंगली जानवर, कभी कीड़े मकोड़ों के शरीरों में, और बहुत बुरे गंदे कर्म करोगे तो ये नाली में जो बदबूदार कीड़े, इनमें आपकी जीवात्मा भेज दी जाएगी। कहने का मतलब कर्मों का प्रायश्चित इसी मृत्युलोक मंडल में आपको करना होगा। इसीलिए जब संत महापुरुषों ने देखा कि तीन तीन युग निकल गए हैं, सतयुग त्रेता द्वापर 5,500 वर्ष कलयुग के भी निकल गए, और इन जीवात्माओं को काल माया के तेज से छूटने की फुर्सत नहीं मिली, जो भी आया वो खुद ही फंस गया, चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे योगी ब्रह्मचारी हो, चाहे अवतारी शक्ति हो, चाहे ज्ञानी वैज्ञानिक, ये सब बेचारे उसी काल माया के वशीभूत रहे। इन्हीं कर्मों में बता के कभी राजा बनाया, कभी धनी मानी, कभी गरीब अमीर, कभी हिंदू मुसलमान, कभी सिख ईसाई, कभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, कभी पढ़ा लिखा स्त्री पुरुष, ये उसका जाल है। और इस जाल से तुम्हें कोई निकाल नहीं सकता। जो इस जाल से निकल गया, अपनी जीवात्मा को जगा लिया, परमात्मा से मिला लिया और जीवात्मा को अपने घर पहुंचा लिया, जब ऐसे नाम भेदी सतभेदी संत सतगुरु मृत्युलोक मंडल पर आएगा और नाम को जगाएगा, नाम को सिद्ध करेगा, वो जगाया हुआ नाम जब जीवात्माओं को पकड़ाएगा, तब ये जीवात्मा जगेगी। ये सुनाए वाले नाम सुनेंगे, ये सुनाना और पढ़ाना इससे कुछ नहीं होना है, ये भी काल का जाल है। पढ़ना लिखना चातुरी ये तो काम सहल, ये सरल है, लेकिन काम दहन मन बस करण यही काम मुश्किल, और संत मत यही सिखाता है। इस अपने शैतान मन पर कंट्रोल नियंत्रण करो तो तुम्हारे को बस की बात नहीं है। जब तीन तीन युगों से फंसे पड़े हो इसी मन के कहने के अनुसार चलकर और यहां से आप निकल नहीं पाए हो, तो अब तुम कैसे निकल पाओगे। इसलिए कहा जब कोई अनामी धाम से कोई संत सदगुरु आएगा, नाम को जगाएगा, नाम को सिद्ध करेगा, वो जगाया हुआ नाम जब जीवात्माओं को पकड़ाएगा, तब वो इसको इसके घर पहुंचा सकता। बाकी ये काम सच्ची में किसी का नहीं। देखो कितना बड़ा काम और कितने युगों का भोला बिछड़ा काम, ये जीवात्माएं बेचारे फंसी पड़ी हुई, कोई निकलने वाला नहीं। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान विष्णु विष्णुलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान शिव शिवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। उनकी तीसरी आंख तो खुल गई, लेकिन आगे के लोगों का रास्ता बताने वाला कोई संत महापुरुष नहीं मिला, वो भी अपने लोग तो फंस के रह गए। और राम साकेत लोग का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान कृष्ण गोलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। देवी देवता देवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर। जीवात्माओं को जगाने का अधिकार संत सदगुरु को है। इसीलिए आपको समझाया गया, गुरबाणी बार बार याद कराई गई है, बने तो सदगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर। ऐ जीवात्माओं, जब कभी तुम्हारी बनेगी तो समय के आए सदगुरु दयाल से बनेगी, नहीं तो बिगड़ जाएगी। गुरबाणी और भी याद करा रही है, और कहीं से जो बने तो जानो सतधुल,
और कोई बीच में खाओ के स्वार्थी लोभी लालची कि कह रहे कि नहीं नहीं हमको अधिकार हो गया, हम जीवात्माओं को जगाएंगे, तो गुरुवाणी कहती ये झूठ है, ये धूल और मिट्टी के समान है। जीवात्माओं को जगाने का अधिकार इस मृत्यु लोक मंडल में केवल संत सदगुरु को है, वो भी जो समय से आएगा, जिसे वक्ते मुर्शिद समय का संत सदगुरु कहते हैं, वो आएगा, वो समय से जीवात्माओं को जगाएगा। देखो कितने दिनों का भोला बिछड़ा ये जीवात्माओं का काम, और यहाँ पर कोई नहीं करा, जो आया उसको कालमाया में अपने में फंसा दिया, राजपाट दिया, धन दौलत मान सम्मान दिया, पद पत्नी बाल बच्चे दे दिए, इसी में फंस के आप रह गए, लेकिन जीवात्मा को जगने नहीं दिया, न जगने दिया न परमात्मा से मिलने दिया। अब आपकी समझ में आया कि संत सदगुरु किस काम के लिए आते हैं और कौन सा काम करके जाते हैं। अगर काम करके नहीं जाएंगे तो इतिहास नहीं बनेगा, कोई नाम नहीं लेगा, कोई पूजा नहीं करेगा। आपको यह सब जानकारी रखनी चाहिए थी। मैंने कल आपकी शंका का समाधान किया, जो तुम्हारे पर समृद्ध सतगुरु दयाल के प्रति शंका, उनके वचन वादों के प्रति जो शंका संदेह भूल भ्रम का जो भूत चढ़ गया था, कल मैंने वो भूत उतारा है, और आपसे कहा था कि कल सत्संग प्रारंभ करूंगा, तो जरा सुन लीजिए। प्रेमियों एक काल माया का देश है, ये अपना देश नहीं है, यानी जीवात्मा का देश नहीं है, और ये मन का भी देश नहीं है। मन प्रकृति धाम का रहने वाला जीवात्मा सत्यलोक निवासी, और ये है मृत्युलोक। ये दोनों मन और जीवात्मा दोनों मुसाफिर के रूप में आता, जब तक कोई इन कर्मों से छुट्टी दिलाने वाला नहीं आएगा। और ये खटकर्म है, ये छह कर्म, आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना सोना कमाना, मल मूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना, ये खटकर्म छह कर्म, ये सभी करते हैं। पशुओं के भी बच्चे होते हैं, वो भी भोजन करते हैं, मधु त्याग करते हैं, पक्षियों के भी एक ये मकोड़ों के, और वही काम अगर तुम करते रहे तो तुम्हारे में और पशुओं में अंतर क्या होगा। इसलिए मानो सत्कर्म के लिए, ये मानव शरीर आपको सत्कर्म के लिए दिया गया। महापुरुषों ने इशारा करके कहा कि काल माया ने अपनी सृष्टि चार खान 84 लाख जिस्म शरीरों की बनाई है, जिसमें 83,99,999 योनियां ये भोग के लिए बनाई, और मानव योनि योग के लिए। ये जो शरीर आपको मिला है ये परमात्मा से मिलने के लिए मिला, ये खटकर्म करने के लिए नहीं मिला, सत्कर्म। सत्सात्वन कर्म क्या है? जीवात्मा जगे परमात्मा से, सत्कर्म सच्चा कर्म और सत्य देह पहुंचाने वाला कर्म। इस सत्कर्म के लिए आपको मानव तन दिया गया, लेकिन आप फिर उसी में जहां पहले फंसे थे फिर उन्हीं भोगों में चले गए, क्योंकि कोई बताने वाला समझाने वाला कोई चिताने जगाने वाला मिला नहीं, और जब मिले तो आपने उनको पहचान नहीं पाया, न जाना न माना न पहचाना, सब धोखे तो आपके लिए हो गया। एक तो कोई आया नहीं, और आया तो इसी तरह से उसने बताया नहीं, घूम घूम कर इस तरह प्रचार किया नहीं, समय की जानकारी दी नहीं, जीवात्मा किस नाम से जगेगी और अपने घर कैसे पहुंचेगी ये भी जानकारी किसी ने आपको दी नहीं है। ये सृष्टि के प्रथम महापुरुष जिन्होंने अनोखा नाम प्रभु का, इस सृष्टि में जितना इतिहास आपके पास सतयुग त्रेता द्वापर सब, तो यानी हरि नाम का, यानी मतलब सतयुग में हरि नाम, त्रेता में राम नाम, द्वापर में कृष्ण नाम,
और कलयुग में जय गुरु। ये नाम हरि के और ईश्वर के और इनके, लेकिन प्रभु का नाम आज तक किसी ने आपको बताया नहीं, प्रभु का नाम किसी ने नहीं बताया। और जब तक अनामी महाप्रभु धाम से कोई महापुरुष मतलब प्रभु नाम लेके नहीं आएगा और प्रभु नाम का प्रचार नहीं कराएगा और प्रभु नाम जब तक की बात में नहीं पकड़ेगी अपने घर नहीं जा सकते। तुम्हारा असली धाम नाम, असली धाम तुम्हारा प्रभु धाम। सतलोक सत्यो संत संतों का, और सतलोक के आगे अलग अलग लोग, अगम लोग, अनाम लोग। अनामी धाम से जब कोई महापुरुष इस पृथ्वी पर आएगा और प्रभु नाम लेके आएगा और प्रभु नाम का प्रचार कराएगा और प्रभु नाम से जीवात्माओं को जोड़ेगा और अपने प्रभु नाम बेड़े पर बैठा कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाएगा, तब ये आवागमन खत्म होगा। सतलोक तक आवागमन है, संतों का आना जाना रहता सतलोक, लेकिन जब प्रभु नाम जीवात्मा में पहुंच जाएंगे फिर वापस कभी कभी, तब ये छुटकारा मिलेगा। आवागमन से इसके पहले तो मिलता नहीं। कैसा अनोखा पुरुष, अनोखा नाम, अनोखा काम सृष्टि में करने के लिए आया और यहाँ किसी ने पहचान ही नहीं, किसी को पहचान नहीं हुई है। और जबकि इतना बड़ा प्रचार किसी ने धरती पर नहीं करा, किसी ऋषि मुनियों ने नहीं कराया और तारी शक्तियों ने नहीं कराया, और एक कलयुग में कबीर साहब से लेकर कितने हजारों संत महापुरुष आए, लेकिन इस तरह घूम घूम कर एक खुलकर प्रचार और जानकारी किसी ने दी नहीं। जैसे सम्राट दाता दयालु ने आपको, लेकिन आप उनके पहचान नहीं पाए, उनको अपना बना नहीं पाए, अपनी जीवात्मा का उद्धार करने नहीं करा पाए, आपने कितना बड़ा नुकसान किया अपना, ये तुम्हारी समझ में बिल्कुल नहीं आया। अगर यह सब जानकारी हो जाती, बाबा जी ने 10 जुलाई 1952 2012 तक आपको सुनाया, समझाया, सिखाया, पढ़ाया, चिताया, जगाया, होश में ला के खड़ा किया, माँ बहन बेटी की पहचान कराई, सेवा में लगाकर पाप कर्मों में माफी कराई और नाम दान देकर सुमरण ध्यान भजन कराकर जीवात्मा को अपने घर जाने का रास्ता बताया। क्या इतना काम किसी ने सच्ची में किया है? कोई ऐसा इतिहास तुम्हारे पास, किसी गुरु का, किसी संत का, किसी अवतारी सत, किसी ऋषि मुनियों का? यह अनोखा काम, अनोखी सृष्टि, और अनोखे पुरुष को आप बिल्कुल पहचान, मैं जानकारी दूंगा कि किसने किसने पहचाना, उनका पूरा जानकारी अभी दूंगा आपको सब, तब तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा। इसलिए यह है काल माया का देश, कहा था बहुत होशियारी के साथ रहना, किसी के देश में, किसी के राज्य में, किसी की हुकूमत में, किसी के अधिकार में रहकर आप मनमानी नहीं कर सकते, जब चाहेगा तब कान पकड़ के निकाल बाहर कर देगा। लेकिन तुम ये सब भूल गए, जब तुम माँ के पेट से है, हम लोग नंगे और अकेले पैदा हुए, कोई कपड़ा लेके भी आप नहीं आए थे, ये तो सामान किसी ने इस्तेमाल के लिए, प्रयोग सत्प्रयोग के लिए आपको दिया, कहा मेरे देश में आए हो, चलो मेरे सामान का प्रयोग करो, लेकिन इसे गंदा मत करना, दुरुपयोग मत करना, नहीं मैं सख्त सजा दूंगा। और आपको शरीर मिला, वो भी परमात्मा पाने के लिए मिला, और सब इसे भोगों में लगा दिया, यही मार काट, हिंसा, चोरी, डकैती, कत्ल, बलात्कार, झूठ, छल, कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी, इसी में आपने लगा दिया और इसे गंदा कर दिया है। जब यहाँ से चलोगे तो मनुष्य शरीर की सजा देगा, यही सजा शुरू हो जाएगी कि मैंने तुम्हें पाक साफ निर्मल, जब माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है एकदम पाक साफ निर्मल, सब शाकाहारी, सदाचारी और ब्रह्मचारी बनकर ही जन्म लेते,
आपने गंदा कर दिया उसका, तो इसकी भी सजा मिलेगी। जो जो सामान उसने आपको दिया, आपने सब सामान का दुरुपयोग किया है, इसलिए सारे सामान की सजा मिलेगी। ये तो सजा इधर की, उधर जो अच्छा बुरा पाप किया है उसकी सजा तो जग नरकों में अलग से लिखी। इतने हजारों जन्मों का तुम्हारा यह सब हिसाब बन गया है, फिर ये काम तुम्हारा कोई कर ही नहीं सकेगा। इसलिए कितना अच्छा दोस्त गोस्वामी जी महाराज गृहस्थ संत थे, इसी कलयुग में जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, वो कलयुग के जीवों को जानकारी देना चाहती। ये रामचरितमानस तुम्हारी जानकारी के लिए, तुम्हारे मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए ये सब लिखा, और तुम उसको पूजा पाठ में बदल कर, अरे कागज है पर छूने से क्या देगा, जो इसमें लिखा है वो इसमें आ जाएगा। जब बुद्धि मन चित में यह सब शिक्षा आ जाएगी तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, अच्छे कर्मों में लग जाएगा, अच्छे खान पान करोगे मानवी, और अच्छे मनो यानी कर्मों में जब आ जाओगे तो ऐसा जीवन आपका सार्थक हो जाएगा। लेकिन तुमने तो सब गंदा कर दिया, सब खराब कर दिया है, कहीं से कोई अच्छे कर्म की खबर ही नहीं आई। जो प्रसारण के सूचना देने वाले आपके अखबार, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, इन पर देखिए, चारों तरफ मारकाट, हिंसा, चोरी, कतलेआम, व्यभिचार, कुत्ता, धोखाधड़ी, बेईमानी, गंदा खान पान, इसके सिवा कोई अच्छा समाचार नहीं सुनने को मिला। इससे मतलब है कि यह सब खराब हो गया है, अब इसका परिवर्तन होगा। जब खराब होगा तभी तो बदलेगा। अरे इमारत जब गिरेगी तभी नई बनाई जाएगी। इसलिए ये परिवर्तन का वक्त है और परिवर्तन निश्चित होगा। जिसको बाबा जी ने चैलेंज के साथ कहा, काम है मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा, कोई मारी कारण हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। यह तुम्हारी समझ में नहीं आया क्या? ऐसी आवाज और किसी ने कभी सृष्टि में लगाई है या वर्तमान समय में कोई लगा रहा है? ये तो आप जानकारी समझनी चाहिए। ये बाबा जी ने अपना परिचय दिया आपको, इतना परिचय दिया है तुम्हारी समझ में कुछ भी नहीं आया। कहा बच्चा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ, ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्य सतयुग देता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं ऐसा चमत्कार करूंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। प्रेमियों कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा चैलेंज है। मेरी भूमिका व्यवस्था के आगे एक दिन सारा विश्व नतमस्तक हो जाएगा। मैं ऐसी भूमिका व्यवस्था मैंने बना के रखी है, उसका समय निश्चित निर्धारित है। समय के पहले कुछ नहीं, समय के पहले केवल जानकारी दी जाती है, बाकी काम समय पर होगा। और तुम लोगों ने समय के पहले अल्लाह बचा दिया और सब मारे गए, क्या मिला आपको? तुम्हें नहीं मालूम है मनुष्य बलि नहीं होते हैं, समय होत बलवान, और भिल्लन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही मान। समय के पहले कुछ नहीं होगा। अगर समय का ज्ञान आपको नहीं है तो तुम्हें चुपचाप बैठ जाए। जिनको समय का ज्ञान है, जो संत महापुरुष त्रिकालदर्शी भूत भविष्य वर्तमान तीनों का ज्ञान रखते हैं, आप उनके पास जाकर समय की जानकारी ले लेते, अगर वो कुछ इशारा करते तो आपको बताना चाहिए, बिना पूछे बिना बताए। अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए किसी शक्ति को अगर बदनाम करोगे तो बहुत मार पड़ेगी, इतनी मार पड़ेगी
कि चेहरा दिखाने का भी नहीं रह गया। बात आप समझते क्यों नहीं हो? यह तो ऐसा देश है, यहाँ धर्म के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी, धर्म के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। यह तो धार्मिक देश है। अगर धर्म के विपरीत और मानव कर्म के विपरीत कोई चलेगा तो कुदरत सख्त सजा दे देगी। इतिहास उठा के देखिए, जब हिरण्यकश्यप नहीं माना तो कुदरत ने सजा दे दी उसको। वो विद्वान ब्राह्मण रावण चार वेद छह सात अठारह पुराणों का ज्ञाता था, इतना बड़ा विद्वान बलवान धर्मन, जब उसकी समय में यानी समझ में समय का नाम नहीं आया और समय का काम नहीं आया कि समय का काम किसके द्वारा होगा, वो कह रहा था मेरे समान कोई धर्मन बलवान बुद्धिमान है ही नहीं। लेकिन उसे तो नहीं मालूम था कि त्रेता का काम किसके द्वारा होगा, किस नाम से होगा, इंसान के नाम से होगा कि भगवान के नाम। अगर इस इतिहास को याद रखते तो तुम कभी गफलत में नहीं जाते, शंका संदेह भूल भय में नहीं पड़ते। जब सतयुग का इतिहास बता रहा है, सतयुग का काम उस समय योगियों ने जो हरि नाम जगाया उसके द्वारा काम हुआ, तो हरि नाम से हुआ कि यानी हिरण्यकश्यप के नाम से हुआ, अरे इंसान के नाम से कि भगवान के नाम से। और त्रेता में जब ऋषियों ने राम नाम जगाया तो राम नाम से परिवर्तन हुआ था कि रावण के नाम से परिवर्तन। द्वापर में जब कृष्ण नाम जगाया गया, कृष्ण नाम से परिवर्तन हुआ कि कंस के नाम से परिवर्तन। तुम सारा इतिहास भूल गए और स्वार्थी लोभी राज्यों के चक्कर में आके तुमने अपना सारा समय खत्म कर दिया। कितनी मार पड़ी है, सब बेचारे बेघर हो गए एकदम, यानी मार काट दिए गए और प्रेत योनि में चले गए। और कितने दिनों तक, जितना जीवन मानव जीवन का इनका बाकी है उतने। मैंने पहले भी मना किया था लोगों, किसी भी जिसकी स्पीच वचन वाणी आपने सुने नहीं है तुम उसकी बातें मत करो, जो देखा सुना नहीं जब झूठ है, कहीं से सुन लिया किताबों में पढ़ लिया, अरे ये ज्ञान नहीं है, जो अपने आंख से देखो कान से सुन वो होता सच्चा, उसमें कोई झूठ नहीं होती। इसलिए कितनी बहुत शक्तियां आई हुई तुमको मालूम नहीं, बाबा जी ने एक इशारा किया सन 1980 में, कहा तमाम शक्तियां अवतरित हो चुकी, कुछ स्कूलों में पढ़ रही हैं, कुछ पढ़ के बाहर निकल रही, और उनको एक दिन एक प्लेटफॉर्म पर बुला के खड़ा किया जाएगा, फिर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, समाज की सेवा, देश की सेवा, धर्म की सेवा, मानवता, इंसानियत, प्रेम प्यार मोहब्बत, माँ बहन बेटी बहन की सेवा, आप ये कैसे करोगे? फिर समाज को न्याय सुरक्षा, रोजी रोटी, महंगाई गरीबी, बेरोजगारी कैसे हटाओगे? टैक्सों की भरमार को कैसे खत्म करोगे? ये सब पूरी राजनीति, पूरी राजनीति, धर्म नीति, न्याय नीति, सत्य नीति, प्रेम नीति, चरित्र नीति, ये सब उनको सिखाया जाएगा। और तुम्हें ये कुछ मालूम है नहीं कि कौन शक्ति किस काम के लिए आई है और उसे समय का कौन सा काम कराया जाएगा, कैसे उसका इतिहास बनेगा, लोग कैसे उसकी पूजा करेंगे, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। जैसे उदाहरण के लिए राम लक्ष्मण बड़े शत्रुघ्न चार बेटे थे, राजा दशरथ, लेकिन राजा दशरथ को कुछ नहीं मालूम था मेरा कौन सा बेटा ईश्वरी शक्ति है, विनाशकारी शक्ति ताकत लेके आया है, धर्म की स्थापना करेगा, मानवता, इंसानियत, प्रेम प्यार मोहब्बत को कायम करेगा और दुष्टों का यानी संहार करेगा और भक्तों सच्चे ईमानदार भक्तों की मदद करेगा। ये माँ बाप को भी पता नहीं था, ये किसको पता था? समय के गुरु विश्वामित्र, ये गुरु को मालूम होता। और विश्वामित्र जी गए और राजा दशरथ थे राम लक्ष्मण को मांग के लिए आए, अपने आश्रम पर रखा, पढ़ा लिखा के एकदम दक्ष कर दिया, सारी नीतियां राजनीति धर्म नीति और न्याय नीति युद्ध नीति सब पूरा सिखा के पारंगत कर दिया।
और जब समय आया जनकपुरी में जब राजा दशरथ ने अपनी पुत्री का स्वयंवर ठहरा बस जितने धनवान बलवान बुद्धिमान उसके राज्य में थे सबको निमंत्रण दिया गया।